गया के डुमरिया प्रखंड में राजद कार्यकर्ता द्वारा औरंगाबाद महागठबंधन के उम्मीदवार पर हुए हमले पर राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष दानिश खान और मिस्टर खान की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक का संचालन विंग राजद प्रखंड अध्यक्ष नौशाद खान ने किया और कहा कि ये जो महागठबंधन के उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद पर साजिश के तहत हमला करवाया गया है। दुर्घटना हुई है श्री उपेंद्र जी के साथ, क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे नेता उपेंद्र प्रसाद जी के साथ जिस तरीके की दुर्घटना हुई है उससे हम हमारे पूरे राजद परिवार, महागठबंधन की पूरे परिवार इसके घोर निंदा करते हैं। और अगर ये सोचिश हम ये साजिश है तो ये बहुत ही गलत काम किया है। इससे उपेंद्र प्रसाद जी को किसी तरीके की भी हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि इससे लोगों का समर्थन मिलेगा, पब्लिक अपने वोट से उनको विजय बनाएगी और उनको सारी ताकत से मजबूत करेगी। उपेंद्र प्रसाद जी का अभी का जो हालत है वो पहले से अच्छा है। अब हम लोग ये आशा करते हैं कि उपेंद्र प्रसाद जी खुद से प्रचार प्रसार करेंगे, कुछ दिन कल या परसों से वो आ जाएंगे और खुद से प्रचार प्रसार में लगेंगे। हम सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द सही हो जाए। और उपेंद्र प्रसाद जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही सुलझे किस्म के आदमी हैं। उन पर अगर इस तरीके का दुर्घटना हो रही है कमज़ोर समझ करके और अमीरों द्वारा इस तरह का कुकृत किया जा रहा है, क्योंकि उन लोग को लग रहा है कि सारे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के जितने भी गरीब गुरुआ परिवार से आते हैं, समुदाय से आते हैं, सब एक तरफ जुट हो गया है और उसी के प्रतिशोध में इन्हों डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा जनता? इससे जनता पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा, जनता में और आक्रोश बढ़ा है कि जिस तरह से पहले हम लोग को दबा कुचला के रखा गया था, आज भी जब प्रत्याशी के साथ इस तरह का घटना किया जाएगा तो फिर हम गरीबों के साथ क्या इस व्यवहार किया जाएगा? अभी नेताजी की क्या हालत? नेताजी से अभी तुरंत हम लोगों ने बात किया है, उन्हें 5 से 7 बजते हॉस्पिटल से छोड़ा जाएगा। तो नेताजी क्या प्रचार प्रसार करेंगे अपना? हाँ, कल से वह प्रचार प्रसार में लगे।